मुश्किल में फंसे भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह। यामिनी सिंह के आरोप से बुरे घिरे भोजपुरी सिंगर। काम के बदले कंप्रोमाइज करने का गंभीर आरोप। बॉलीवुड और टेलीविजन से निकलकर मीटू भोजपुरी में पहुंच गया है, जहां पर पहली बार किसी एक्ट्रेस ने बड़े स्टार पर आरोप मढ़ा है। मुंबई की फिल्मी दुनिया में कई हसीनाओं ने मीटू कैंपेन के दौरान अपने को स्टार निदेशक और प्रोड्यूसर पर कई खुलासे किए थे। विदेश में शुरू हुए इस कैंपेन के चलते बॉलीवुड में कुछ ऐसे खुलासे हुए थे जिससे इंडस्ट्री हिल गई थी। अब इस कड़ी में एक और भोजपुरी हसीना का नाम जुड़ गया है। इस हसीना का नाम यामिनी सिंह है, जिसने भोजपुरी के पावर स्टार पर गंभीर आरोप लगाया है। यामिनी सिंह भोजपुरी की चर्चित अभिनेत्री हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और पावर स्टार कहे जाने वाले एक्टर पवन सिंह पर आरोप लगा दिए हैं। यामिनी सिंह का कहना है कि एक बार पवन सिंह ने उन्हें काम के बदले कंप्रोमाइज करने को कहा था। यामिनी सिंह ने News18 चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के ऊपर संगीन आरोप लगाए। एक्ट्रेस ने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ये बात सब लोग कहते हैं कि उन्होंने मुझे काम दिलाया है, ये बात पूरी तरह से गलत है। मेरी पहली फिल्म बॉस थी, ये फिल्म मुझे अरविंद चौबे ने ऑफर की थी। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मुझे इस फिल्म में किसी ने नहीं निकाला था, बल्कि मैंने इसे खुद छोड़ दिया था। पवन सिंह पर ये आरोप ऐसे समय में लगे हैं जब वो दूसरी पत्नी को लेकर चर्चा में है। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक चर्चा आम है कि इन्हीं हरकतों की वजह से पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हुई। उनकी दूसरी पत्नी ने बिहार में तलाक की अर्जी दे डाली है। आरोप ये भी लगता है कि पवन सिंह का दूसरी एक्ट्रेस के साथ नजदीकियां भी थी। फिलहाल अब यामिनी सिंह के आरोपों के बाद पवन सिंह मुसीबत में आ सकते हैं। अगर यामिनी सिंह ने पुलिस कंप्लेन की तो पवन सिंह को थाने के चक्कर काटने पड़ेंगे। News18 की खबर के मुताबिक यामिनी सिंह ने पवन सिंह के बारे में बात करते हुए कहा कि मुझे ये पता था कि पवन सिंह अच्छे इंसान है, मैं उनकी सच्चाई तब तक नहीं जानती थी। सेट पर जब उनसे पहली बार मिली तो मैंने उनकी गायकी की जमकर तारीफ की थी। एक दिन मुझे रात के 9 बजे फोन आया और कहा गया कि ऑटो पकड़ो और स्टूडियो आ जाओ। मैंने फोन पर कहा इस समय, वहां से जवाब आया कि फिल्म नहीं करनी है क्या। मैंने कहा इस तरह से पवन सिंह सबसे बात करते हैं क्या। वहां से जवाब आया वो सुपरस्टार हैं। मैंने जवाब में कहा मैं भी सुपरस्टार हूं और फोन काट दिया और फिल्म में काम करने के लिए मना कर दिया। इसके साथ ही यामिनी सिंह ने कहा कि पवन सिंह ने मुझसे कंप्रोमाइज करने को कहा, वो किसी फिल्म का सीन नहीं था, वो कुछ और बात थी। उस दिन मैंने ये ठान लिया कि इसी इंडस्ट्री में रहूंगी और सबके सामने रहकर काम करूंगी, लेकिन उनके साथ काम नहीं करूंगी। यामिनी सिंह ने इस दौरान भोजपुरी के दूसरे एक्टर खेसारी लाल की जमकर तारीफ की। उसके साथ ही यामिनी सिंह ने पवन सिंह को लेकर कहा, मैं इंडस्ट्री की जितनी भी एक्ट्रेस हैं उनसे कहूंगी कि गीता पर हाथ रखकर कसम खाकर बोलेंगे कि उन्होंने किसी औरत की कितनी इज्जत की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।